शहर में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर दोपहर को नगर परिषद ने दुकानदारों पर चाबुक चलाया है। तहसीलदार हमीरपुर मित्र देव मोहतल की अध्यक्षता में यह अभियान चलाया गया। गांधी चौक से लेकर सब्जी मंडी बभोटा चौक तक चलाए गए इस अभियान में दर्जनों दुकानदारों द्वारा सड़क पर रखे गए सब्जी, कपड़े, चारपाई, टेबल, कैटर आदि को जब्त किया गया। इस कार्रवाई में दो दर्जन से ज्यादा दुकानदारों का सामान सड़कों व नालियों पर से हटाया गया। इसके साथ ही दुकानदारों को पीले पंजे के पीछे सामान रखने की भी कड़ी हिदायत दी गई। गांधी चौक से शुरू हुआ यह अभियान तहसील मार्केट तक चलाया गया। इस दौरान सड़क व नालियों पर सजाए गए दुकानदारी को हटाया गया तो कई रेडी फेड़ी वाले इस कार्यवाही को देखकर अपना सामान समेट लिया। दोपहर के समय शहर में हुए इस अभियान से तहसीलदार के साथ नगर परिषद के ईओ विनोद कुमार शर्मा, सफाई प्रबंधक राजेंद्र कुमार, पुलिस कांस्टेबल व विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। तहसीलदार मित्र देव मोहतल ने बताया कि शहर में बढ़ते अतिक्रमण की शिकायतें उन्हें रोजाना मिल रही थी, इस पर अमल करते हुए ये कार्यवाही की गई है। उन्होंने सभी दुकानदारों को चेतावनी देने के साथ ही अब यह अभियान शहर में नियमित तौर पर चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण करने में सब्जी, फल व कपड़ा व्यापारी सबसे आगे पाए गए हैं, जिनमें से कुछ दुकानदारों ने नालियों व सड़कों पर अपना सामान सजाया था तो कुछ चारपाई लगाकर सामान बेच रहे थे। इस दौरान सड़कों व नालियों पर सजाई गई दुकानदारी को हटाया गया तो कई रेड़ी फेड़ी वाले इस कार्यवाही को देख अपना सामान समेट लिया। वहीं अभियान के दौरान कुछ दुकानदारों के साथ प्रशासन के अधिकारियों के सामान को उठाने को लेकर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। चलो वैसे तो लोगों का हमें काफी सहयोग मिला, मोस्टली रिक्वायरमेंट सामान उठाने की सबने अपने आप पीछे कर दिया था। चार पांच दुकानदारों का सामान उठाया गया है। ये गलत बात है, इसमें जिसने जो लोग बाहर थे हमारे सामने सबका सामान उठाया गया है और जिन्होंने अपने आप पीछे कर लिया दैट इज गुड थिंग, दे हैव कोऑपरेटेड। और जिसने खुद कर दिया उसके साथ आवश्यक वो कम जबरदस्ती करने की कोई आवश्यकता नहीं। फाइन भी होगा? हाँ, फाइन हमारे लगभग 4 केसेज में, 5 केसेज, 5 केसेज में हमने फाइन इंपोज किया।